हेलो भाई साहब, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 30 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 66 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक टॉप बना 82 रुपीज का। 82 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जहां पर स्टॉक ने नीचे का 61 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है। ऊपर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 72 रुपीज। 72 रुपीज स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म का हाई बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे के स्टॉप लॉस रखें लॉन्ग टर्म के लिए 61 रुपीज का। ऊपर के टारगेट अराउंड 85 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 71 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है, वहां से स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि स्टॉक काफी टाइम से देखें तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा जहां पर 71 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा। एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग लेता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।